chemical properties of carbon compounds. In this section, we'll be studying about the chemical properties of the carbon compounds, since most of the fuel used are either of carbon or its compound. Combustion, सबसे पहले देखेंगे carbon in its allotropic form bonds in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. जो carbon का allotropic form होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉर्न होता है टू गिव CO2, उसके साथ साथ हमें हीट प्लस लाइट दोनों मिलते हैं. कार्बोनिक कंपाउंड जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, किरोसिन हो गया, सारा मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग. देयर आर दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. जैसे यहाँ पे देख सकते हो कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 बनाता है प्लस हीट और लाइट निकलता है. CH4 बर्न होता है, CO2 प्लस H2O बनाता है, यानी मीथेन जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 गैस प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट. जब आप देख सकते हो इथेनॉल, इसको इथेनॉल बोलेंगे, CH3CH2OH, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है. CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम, वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलोविश फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक. मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ईजिली बर्न होते हैं और कम्प्लीटली बर्न होते हैं, बट अनसैचुरेटेड जो होते हैं कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, ये याद रखना. और क्या देता है, ब्लैक स्मोक विद येलो फ्लेम. दिस रिजल्ट इन सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट, हाउएवर लिमिटिंग द एयर सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कम्बोशन इवन इन सैचुरेटेड. अगर एयर सप्लाई लिमिटेड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी इनकम्प्लीटली उसका कम्बोशन होगा, पूरी तरह बर्न नहीं हो पाएगा. द गैस किरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट सफिशेंटली ऑक्सीजन रीच द मिक्सचर. मिक्सचर इज बॉर्न टू गिव द क्लीन ब्लू फ्लेम. जो जैसे कि गैस स्टोव या फिर किरोसिन स्टोव होता है तो उसमें एयर सप्लाई के लिए अलग से जगह दिया होता है ताकि सफिशेंट ऑक्सीजन मिल सके बर्निंग के लिए. इट मीन्स दैट एयर होल्स इज ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड. मतलब जब क्या होगा, कुक जब हम जिस यूटेंसिल्स में कुक कर रहे होंगे उसका जो बॉटम होगा काला काला पड़ने लग जाएगा, मतलब कि एयर होल्स हमारे ब्लॉक हो गए हैं, फिर बर्निंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तभी वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो रहा है जिसके कारण ब्लैक हो जा रहा है नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें हम कुक कर रहे हैं. फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम. देयर कंबशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन एंड मेजर पॉल्यूटेंट इन एनवायरमेंट.